लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, जस्ट नोटिस इट। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो आज इस लाइन से इंस्पायर होके मैंने ये दो DIY बनाया है, जो कि कार्डबोर्ड वॉल पुट्टी से बनाया है। और ये साइड में जो पॉट रखा है उसे मिरर मोज़ेक बोलते हैं, इसे मैंने भी वॉल पुट्टी और मिरर यूज़ करके बनाया है, बहुत ईजी है। तो जो मैंने फ्लावर पॉट तैयार किया है इस पॉट से है, जो दिवाली की पूजा के लिए मैं लेके आई थी। और ये है वॉल पुट्टी, तो ये बिरला की वॉल पुट्टी है, ये 40 रुपीज़ में आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले एक लिक्विड तैयार करेंगे, जिसमें 1 चम्मच फेविकॉल और 5 चम्मच वाटर डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस लिक्विड को हम इस वॉल पुट्टी के पार डालेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें फेविकॉल इसलिए डाला है कि वॉल पुट्टी आसानी से निकलेगी नहीं, तो फेविकॉल डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं पॉट में ये बेस तैयार करूँगी। अगर आप मिरर डायरेक्ट भी चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मिरर स्पॉट में स्टिक कर दीजिए और उसके ऊपर वॉल पुट्टी अप्लाई कीजिए, जैसे मैं बाद में करने वाली हूँ। तो अभी मैंने ये जो पेस्ट बनाया था पूरी मैंने पॉट में लगा दिया है और एक प्लेन सरफेस बनाया है। अभी ड्राई होने के बाद मैंने फेविकॉल अप्लाई किया है सब दूर, और अब इसमें मैं ये डायमंड शेप के मिरर स्टिक कर रही हूँ। तो ये मिरर हमको इक्वल साइज़ की और इक्वल मोटाई में लेना ज़रूरी है, और जहाँ तक हो ये पास पास लगाएं तो ही इसका लुक अच्छा आएगा। और हैंड टू हैंड इसे प्रेस करते जाइए, हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, अगर थोड़ा ज़ोर से दबाएंगे तो ये मिरर निकल सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तो हैंड टू हैंड इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ड्राई होने के बाद ये निकल सकते हैं। तो मैं सारे और फेविकॉल अप्लाई करके इसमें मिरर स्टिक करती जा रही हूँ। आप कोई भी शेप के मिरर लगा सकते हैं, लेकिन वो एक ही शेप के होना चाहिए। अगर आप राउंड शेप के लगाना चाहते हैं तो पूरे राउंड शेप के ही मिरर लगाइए, जैसे मैंने डायमंड शेप के लगा रही हूँ। तो पूरे पॉट पे मैं डायमंड शेप का मिरर लगा रही हूँ। ये मिरर आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप पे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं इसे। देखिए ये जब इसमें थोड़े फेविकॉल भी ऊपर मिरर में स्टिक होते जा रहे, पर डोंट वरी, उसे बाद में रिमूव किया जा सकता है। अभी आप स्टिक करने और उसको प्रॉपर तरीके से चिपके उस पर ध्यान दीजिए। तो जहाँ जहाँ ड्राई हो गया फेविकॉल, मैंने फेविकॉल लगा के स्टिक कर रही हूँ। मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है, अलग अलग क्रिएटिव डिशेस बनाना, उसके साथ ये आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत शौक है। तो मैंने अपने चैनल को थोड़ा चेंज कर दिया है, उसका नाम भी चेंज कर दिया है। तो झटपट सिंगदास किचन से मैंने अपने चैनल का नाम सेइंग लाइफ एंड रेसिपी रखा है, जिसमें मैं अलग अलग तरह के जो भी क्राफ्ट और क्रिएटिव डिशेस आती है मुझे, वो आपके सामने लेकर आऊँगी। देखिए हर एक वीडियो बनाने और ये जो क्रिएटिव आइडियाज से बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता ही है ना, तो आपको वीडियो पसंद आता है, आपको आइडिया पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए साथ में, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी मेरे इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ये मिरर स्टिक होने के बाद 1-2 घंटे अच्छे तरह से ड्राई होने दीजिए, उसके बाद मैंने ये पेस्ट बनाया है। तो ये इसके लिए मैंने वॉल पुट्टी में 1 चम्मच एक्रेलिक कलर और 1 चम्मच फेविकॉल डालकर ये इस तरह से पेस्ट बनाया है, थोड़ा थिक पेस्ट बनाया है, और इसे पूरे पॉट में मैं स्टिक कर दूंगी, ताकि जो भी गैप है वो मिरर के बीच में जो भी गैप है वो अच्छी तरह से स्मूथली भरना है मुझे, तभी ये अच्छे तरह से हाईलाइट होगा। तो इस पेस्ट को सब तरफ अप्लाई करने के बाद, इसे कम से कम 1-2 घंटे अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद, मैंने ये वेट क्लॉथ से हल्के से पोंछा है, तो ये सारे मिरर में जो पेस्ट लगा है वो निकल जाएगा। और ये थोड़ा वेट करके पोंछना है और हल्के हाथ से पोंछना है, नहीं तो आपका मिरर भी निकल सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर फ्लावर पॉट तैयार हो गया है, कोई बोल सकता है कि ये वॉल पुट्टी से बना हुआ है।
शॉपिंग करने से जो कार्डबोर्ड बचता है ना, उससे मैंने ये फ्रेम बना लिया है और इसे फेविकॉल से चिपका दिया है। और दूसरा मैंने इसके लिए लिया है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी को हम घर की दीवारों को फिनिशिंग करने के लिए लेते हैं, तो ये मैंने फ्रेम बनाने के लिए लिया है। तो एक चम्मच फेविकॉल में 5 चम्मच पानी डालकर वॉल पुट्टी का पाउडर डाला है और इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार हुई मेरी। बस उसे फ्रेम में अप्लाई कर दिया है। तो ये मोटा मोटा लगाना है सारे साइड्स में, फिनिशिंग देखते हुए कहीं भी छूटे नहीं, थोड़ी थिकनेस आना चाहिए हमारी इसमें। तो ये मैंने सेकंड साइड में लगा लिया है। धीरे धीरे करके मैं चारों साइड्स में अप्लाई कर दूंगी इसे। सारे कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के बाद अब ये मैंने बड़ा सा कॉम लिया है और इससे मैं एक पैटर्न डिज़ाइन करूँगी। आप जो भी चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये कॉम से इस तरह का पैटर्न डिज़ाइन किया है। तो चारों साइड्स में मैं ये सेम पैटर्न डिज़ाइन कर रही हूँ। और ये अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद मैंने इसमें ब्लैक कलर अप्लाई किया है। तो चारों साइड्स में ब्लैक कलर कर लूँगी। ब्लैक कलर अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे गोल्डन कलर का टचअप दे रही हूँ। जो फ्रेम में बैक साइड मैं यूज़ करूँगी उसे मैंने सेम साइज़ में कट कर लिया है, उसमें ब्लैक कलर कर दिया है। अब मैंने सेम घोल बनाया है फेविकॉल और पानी से, और इस घोल में मैंने वॉल पुट्टी डाला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी ना, पहले जो कंसिस्टेंसी थी उससे थोड़ी थिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसे मैं कोन में अप्लाई करूँगी। तो कोन में अप्लाई करने के पहले मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसमें कोन में डालकर मेरा मैटर राइट कर रही हूँ। तो आधा मैंने राइट कर चुकी हूँ। तो ये वॉल पुट्टी और कार्डबोर्ड से मेरी फ्रेम तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे दूँगी।